हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओशन ऑफ ज्ञान। दोस्तों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में कोई वेक्टर का डिस्टेंस हो जिसका एंगल बन रहा हो और जिस पे परपेंडिकुलर हो कोई यूनिट वेक्टर, तो उसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। जैसे कि मैंने सर्च करके थोड़ा सा रखा हुआ है नेट पर से कि क्या चीज़ नेट पे चल रहा है अभी, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ ए और बी, यानी कि जो एक वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और एन कैप। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एन जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे देखो, दो वेक्टर का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट का अगर दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो देखो डिटरमिनेंट मेथड से किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे समझ नहीं पाओगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, किस तरह से यहाँ पे क्या प्रोसेस करके यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल से बताऊँगा। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, और मैं कहता हूँ पूरा देखना है, ठीक है, और एक कॉपी में नोट कर लेना जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, दो वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि मेरा जो वेक्टर है वेक्टर ए वो है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन नॉलेज आपको पूरा मिलेगा, तो ध्यान से देखना और समझना। फिर वेक्टर बी जो है वो मान लेते हैं वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के। एक चीज़ नोटिस और करना, जो भी वेक्टर रहेगा कोई भी वेक्टर हो वो इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ए वन की जगह कुछ और दे देगा, जैसे फोर दे देगा, फाइव दे देगा, सिक्स दे देगा, या फिर कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर चीज़ दे सकता है यहाँ पे, ए वन ए टू ए थ्री, उसी तरह से बी वन बी टू बी थ्री की जगह कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो इसका फॉर्मेट है आई जे के में वो रहेगा ही। हम इसको सिंपली आई जे के भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक फंडामेंटल यूनिट फैक्टर है, इसको माना गया है, लेकिन समझने के लिए हम पूरा डिटेल में लिखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। अब ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ये दो वेक्टर दिया हुआ है अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने के, जैसे कि हम लोग ए मल्टीप्लाई बी करते हैं ना, सिंपली यहाँ पे चलना है। जैसे ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, ए का वैल्यू फोर, बी ए प्लस बी ऐसा कुछ दिया है, बी का वैल्यू सिक्स, ए प्लस थ्री ऐसा कुछ दिया है, तो जिस तरह से हम फोर ए प्लस बी इंटू फोर ए प्लस थ्री इस तरह से करते हैं, सॉरी मतलब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से करते हैं, जो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बस सेम कंडीशन यहाँ पर भी उसी तरह से करना है मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो आओ देखते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी, ये मैंने लिख लिया वेक्टर बी का। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहाँ से करेंगे स्टार्ट, ये फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले इससे स्टार्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज़ लिखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए वन और बी वन को एक जगह लिखेंगे, ए वन बी वन, ठीक है। और जो आई आई है, चूँकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको मल्टीप्लाई हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे आई, ताकि ये हम जान सके कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई का जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम पुट कर सके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट चलते हैं, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, फिर इसको इससे करेंगे, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पहला स्टेप कर लिया कि ए वन से, ए वन वेक्टर आई से मैंने सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड चलते हैं, ए टू बी वन हो जाएगा, ए टू बी वन, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे जे और आई है, यानी कि जे
क्रॉस आई, ओके। फिर प्लस, फिर उसी तरह से सबको हम लिखते जाएंगे, ए टू से ही सबको करेंगे बारी बारी से मल्टीप्लाई, और जो आई जे के है उसको हम एक सेपरेट में लिख देंगे। ओके, हमारा ये भी हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब लास्ट बचा है ए थ्री के, इसको भी हम इससे बारी बारी करेंगे, तो यहाँ पे प्लस होगा, देन मल्टीप्लाई करते हैं, ए थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे बी वन होगा, और सेपरेट में हो जाएगा ब्रैकेट में वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई, ओके। प्लस ए थ्री बी टू मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर सेपरेट में हो जाएगा वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे। फिर उसी तरह से ये भी होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। अब देखो टोटल मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ए वन बी वन ये तो यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं ए वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई हम किस तरह से निकालेंगे, उसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि आई और आई जे के का एंगल भी होता है और उसका परपेंडिकुलर भी उसी पे होता है, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते कैसे, पिछले बैक में जाओ जो मैंने बताया था, यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो, है ना। एक बार आप मेरा पीछे वाले वीडियो देख लो, उससे पता चल जाएगा जो नहीं देखा है तो। अब यहाँ पे प्लस, अब इसका करते हैं ए वन बी टू, अब इसको क्या करेंगे आई क्रॉस जे, इसका क्या होगा मैंने बताया था, इसका होता है वेक्टर के। पूरा डिटेल में जानना है कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो। अब चलो आगे चलते हैं, प्लस ए वन बी थ्री, अब इसको निकालेंगे, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस जे में। अब ये कैसे होगा, मैंने बताया था ना, एक थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ, मैंने बताया था क्या, इस तरह से याद रखने को, यहाँ पे के, यहाँ पे जे, यहाँ पे आई, ठीक है। अगर इसको इसको क्रॉस कर रहे हैं आई और जे को, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा सामने वाला वो के होगा। अगर हम अपोजिट साइड जा रहे हैं, मतलब कि अगर वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आई होगा, लेकिन वो माइनस में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा है आई क्रॉस के, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो जे होगा, लेकिन वो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम होगा, मतलब कंटिन्यू होगा डायरेक्शन, तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस जे दिए हुए हैं, ओके। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देते हैं, प्लस, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ए टू बी वन, इसका क्या होगा वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई। यहाँ पे देखो इसका भी वही चीज़ आएगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई, वेक्टर जे है यहाँ पे, क्रॉस वेक्टर आई है, यानी कि ये डायरेक्शन इधर से जाना चाहिए, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन से आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो के आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वेक्टर के, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस ए टू बी टू, अब यहाँ पे वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे, आपको पता ही होगा सेम, अगर वेक्टर का क्रॉस हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो में आएगा। फिर प्लस ए टू बी थ्री, इसका क्या होगा वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के है, मतलब यहाँ पे जो है देखो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के है, तो ये डायरेक्शन इसका अपोजिट है, तो इसका भी माइनस में आएगा, माइनस वेक्टर आई, ओके। लास्ट बचा हुआ है प्लस ये ए थ्री बी वन, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई का मैंने क्या बताया था, वेक्टर जे, यहाँ पे समझ लो वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई,
डायरेक्शन इसका देखो, डायरेक्शन इधर ही जा रहा है इस तरफ, और इसका भी इस तरफ जा रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन है, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो वेक्टर जे। ओके, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, A3 B2 इसका क्या होगा, के जे। यहाँ पे देखो के और जे, के और जे मतलब उल्टा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका माइनस में आ जाएगा। फिर प्लस A3 B3 के, इसका मतलब सेम ही है, तो इसका जीरो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो जो जीरो आया, यानी कि जीरो से ये सब मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। यानी कि जीरो से कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, जीरो से ये मल्टीप्लाई होगा जो कि जीरो हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा जो जीरो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा जो जीरो हो जाएगा, तो इन तीनों को नहीं लिखना है। तो फिर बचा क्या, तो यहाँ पे मैंने तीनों को छोड़ के बाकी जो है वो मैंने लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको दिखेगा आई जो कि दो है, जे जो कि दो है, और के जो कि दो है। तो इन दोनों को क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन कैसे लेना है, यहाँ पे देखो पहले इसका लेते हैं, आई का लेते हैं, ये वाला, बस ध्यान से देखते जाओ, प्लस भी आएगा और फिर ये, इन दोनों को कॉमन लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A2 B3 माइनस, अगर हम इसको कॉमन लिए तो माइनस, यहाँ पे ध्यान से समझना कि हम किस तरह से इसको माइनस और प्लस को एक जगह सेपरेट कर रहे हैं, और आई और जे के को भी एक जगह सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं B3 B2 और ये आई, कॉमन कर दिए इसको, फिर माइनस, फिर इसको जे का भी करेंगे, यानी कि जे रहा ये और ये, इन दोनों का करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कैसे क्या होगा, A1 B3 माइनस A3 B1 और ये जे कॉमन हो जाएगा। और वैसे भी अगर ये मल्टीप्लाई अगर करोगे इसको इससे, तो ये नेगेटिव में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फिर नेक्स्ट है के और के को, तो इसका हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 और के। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जो है कुछ डिटरमिनेंट से मैच हो रहा हो, अगर हम इसको सही से कर दें, मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दें, आई इसको इधर लिख सकते हैं, A2 B3 माइनस B3 B2, ओके, और माइनस जे को इधर लिख सकते हैं। बात तो एक ही, बात तो सेम ही है, बस हम इसको इस इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीनिंग तो वही निकलता है, A1 B3 माइनस, फिर प्लस के को भी इधर कर देंगे, A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखो, लगता नहीं है कि ये चीज़ डिटरमिनेंट से कुछ मैच हो रहा हो, अगर यहाँ पे ए लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे, तो आप डिटरमिनेंट का जो थ्योरम है आप जो पढ़े होंगे, तो ये चीज़ इससे मैच करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ को यहाँ पे डिटरमिनेंट से, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो ये चीज़ आएगा, है ना, है ना, ये चीज़ आएगा, ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, जो वेक्टर को हम क्रॉस करते हैं, जो डिटरमिनेंट के थ्रू हम सॉल्व करते हैं,
वो चीज़ कैसे आया, डिटरमिनेंट में कैसे चेंज हुआ, वो समझ में आ गया होगा आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा। अब यहाँ से ये जो आपको आपका जो फॉर्मूला जो तैयार हुआ, यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से आप समझ लेते हैं। मान लो कि कोई एग्जाम्पल दिया, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और वेक्टर बी है 3i माइनस 2j प्लस 4k, ओके। अब इसको हम उस मेथड से नहीं जो हम करते थे ना, यहाँ पे देखो इतना जो लंबा करते थे, इतना पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई ये वो दिस दैट ऐसे करके, इतना बड़ा प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में डिटरमिनेंट से हम निकालेंगे, ओके। तो कैसे लिखेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अब आपके पास है आई जे के, टू ए वन की जगह पे टू है टू लिखे, ए टू की जगह पे थ्री है थ्री लिखे, ए थ्री की जगह पे फोर है लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो माइनस फोर लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे बी वन की जगह पे थ्री है, बी टू की जगह पे माइनस टू है, बी थ्री की जगह पे फोर है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले आई से आई लिए, यानी कि हो जाएगा आई लिए इसका 12, ये माइनस में आएगा और चूंकि ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये 4 2 8, ओके। अब फिर क्या है, माइनस जे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, तो यहाँ से ये कटेगा तो बचेगा ये, तो इसको हम कर देते हैं 8 प्लस 12 डायरेक्ट कर देते हैं, फिर इसका करेंगे बचेगा ये, तो इसको कर देते हैं -4 -9, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आई 4 माइनस जे 20 प्लस के -13, तो यहाँ पे टोटल जो होगा वो 4i माइनस 20j माइनस 13k ये आएगा, और ये क्या चीज़ में है, वेक्टर में आया। तो इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, ये चीज़ का जो मल्टीप्लिकेशन किए तो रिजल्ट क्या आया, ये आया, ओके। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल बताएंगे और उसके बाद आर्टिकल पढ़ेंगे वेक्टर का, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वो एक नॉन जीरो कॉलिनियर है तो क्या होगा एक्स वाई पे, तो ये चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।